दोस्तों बॉलीवुड में एक सफल करियर हर कलाकार का सपना होता है। कुछ कलाकार एक बड़े अवसर की तलाश में कई सालों तक जहमत उठाते हैं तो कुछ अपनी पहली ही फिल्म से तहलका मचा देते हैं, पर अपने करियर की शुरुआती दौर में मिली सफलता को कायम रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कलाकार की बात करेंगे जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी पहली फिल्म से ही एक खास जगह बना ली थी, पर उनकी इस कामयाबी से उन्हें बॉलीवुड में एक ऊंचा मुकाम नहीं मिल पाया। बाद में उन्हें छोटे पर्दे का सहारा लेना पड़ा। दर्शकों आज यहां बात हो रही है अभिनेता विवेक मुशराम की। अपनी पहली फिल्म सौदागर और उस पिक्चर के गाने इलू इलू में अपनी मासूमियत से सिने प्रेमियों का दिल जीतने वाले इस कलाकार को आगे चलकर बड़े ऑफर्स नहीं मिल पाए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के जरिए जानते हैं अभिनेता विवेक मुशराम की जिंदगी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। दर्शकों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। अभिनेता विवेक मुशराम का जन्म उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में साल 1969 के 8 अगस्त को हुआ था। इनका परिवार एक मध्य वर्गीय परिवार था। विवेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रेणुकूट में ही की थी। इसके बाद वो देहरादून के शेरवुड कॉलेज में अपने आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। आपको बता दें कि शेरवुड से ही अभिनेता अमिताभ बच्चन, डैनी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने पढ़ाई की है। शेरवुड कॉलेज में थिएटर की सुविधा है जिसे दिवंगत अभिनेता शशि कपूर के ससुर ने शुरू किया था। इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका रुझान एक्टिंग की ओर हो गया। शेरवुड में पढ़ाई खत्म करने के बाद विवेक ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई का रुख किया। मुंबई में विवेक ने अपना पोर्टफोलियो शूट भी करवाया। यहाँ उन्होंने थिएटर के प्लेस के साथ फिल्मों के ऑडिशन भी देने शुरू कर दिए। ये वही समय है जब शोमैन सुभाष घई अपनी फिल्म के लिए एक क्यूट और नए चेहरे की तलाश में थे। उनकी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे लेजेंड्स के अलावा डेब्यू करने जा रही अभिनेत्री मनीषा कोइराला भी थी। विवेक को ये फिल्म उनकी चॉकलेटी लुक के कारण मिल गई। वासु के इस किरदार ने विवेक मुशराम को गजब की सफलता दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। मूवी में विवेक पर फिल्माए गए इलू इलू गाने ने सिने प्रेमियों का दिल जीत लिया था। आपको बता दें कि मनीषा और विवेक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए थे। दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो चुका था। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने विवेक की झोली में 8-10 फिल्में दे दी। पहली फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद विवेक ने मनीषा के साथ फर्स्ट लव लेटर नाम की फिल्म की, पर यह फिल्म वो जादू नहीं दिखा पाई जो फिल्म सौदागर ने दिखाया था। ये वो समय था जब अक्षय, आमिर, शाहरुख, अजय, सलमान, गोविंदा जैसे सितारे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे और विवेक को जो भी फिल्में मिल रही थीं उनमें उन्हें एक तरह के ही किरदार दिए जा रहे थे। आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि विवेक मुशराम अपने चॉकलेटी लुक से आगे कुछ कर नहीं पाए। बात उनकी फिल्मों की करें तो उन्होंने सौदागर, फर्स्ट लव लेटर, बेवफा से वफा, दिल है बेताब, इंसानियत का देवता, राम जाने, छोटा सा घर, जान, सनम, अनजाने जैसी तमाम फिल्में की, पर कुछ खास सफलता न मिलने से कभी लीड एक्टर रहे विवेक अब साइड एक्टर बनते जा रहे थे। साल 1996 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया, पर उसके बाद उन्हें छोटे पर्दे की ओर रुख करना ही बेहतर लगा। साल 2000 में आए टीवी शो सोनपरी में उन्हें रोहित का किरदार मिला। ये शो 4 सालों तक चला और घर घर काफी पॉपुलर रहा। इस शो ने विवेक के करियर को एक नई पहचान दी। इसके बाद उन्होंने भास्कर भारती, बात हमारी पक्की है जैसे तमाम शोज में काम किया। आपको बता दें कि एक्टर होने के साथ साथ विवेक एक अच्छे गायक भी हैं। उन्होंने अपनी एक खुद की एल्बम भी लॉन्च की थी जिसका नाम कहीं खो गया है। विवेक अब टीवी और फिल्में दोनों में दिलचस्पी ले रहे हैं और साथ ही में वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। उन्हें हाल में ही Z5 की वेब सीरीज नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड में देखा गया है। बात विवेक के निजी जीवन की करें तो इनके माता पिता और बाकी परिवार से जुड़ी अधिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इनके पिता का नाम दीपक मुशराम है। विवेक की माँ का नाम अनुसुईया मुशराम है। इनके दो भाई हैं जिनका नाम सुनील मुशराम और प्रदीप मुशराम है। बता दें कि विवेक ने अब तक शादी नहीं की है। बीते सालों में उनके अफेयर्स तो बहुत रहे हैं, पर कमिटमेंट ना होने पर उनकी जोड़ी किसी के साथ बन नहीं पाई। ये बात विवेक ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी कि उनके रिश्ते में संपर्ण का भाव नहीं आ पाता है, जिसके कारण रिश्ता टिकता नहीं है। अब विवेक मुंबई में ही सेटल हो चुके हैं और टीवी और फिल्मों में दिलचस्प ऑफर्स मिलने पर काम करते हैं।
तो ये थी अभिनेता विवेक मुशरान के जीवन से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस सेलेब से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियोस में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।